अनिका जिस खूब हमारी बातों से शिवाय को अपनी गलती का एहसास हुआ कौन क्या सोचता है आई डोंट केयर मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम्हें कोई कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग ना आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर मेरे लिए इस शादी का कोई मतलब नहीं है चाहे दादी तुम्हें इस घर में बहू बना के क्यों ना लाए हो मेरे लिए शादी शादी नहीं और ना ही मैं तुम्हें एक वाइफ का दर्जा दे पाऊंगा कल से डिवोर्स की प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी अब कुछ ही दिनों में डिवोर्स उसके बाद तुम्हें जो करना है तो कर सकती हो और मुझे जो करना है मैं करूंगा क्लियर He'll be like nothing ever happened. जैसे कभी कुछ नहीं हुआ सच में कुछ नहीं हुआ मुझे लगता था कि इंसान अपनी किस्मत को अपने दम पे बनाता है लेकिन मेरा क्या किस्मत ने तो मेरा पप्पू ही बना दिया मैं मिडिल क्लास फैमिली से हमारे पास वैसे भी ज्यादा चीजें नहीं होती मेरे पास भी नहीं थी सिर्फ दो चीजें थी मेरा भाई और मेरी खुददारी मेरा भाई मेरी कमजोरी और मेरी खुददारी मेरी ताकत और आपने मेरी कमजोरी से मेरी ताकत को हरा दी मेरी क्लास में इससे मेरी खुददार चाइना मीट निकली एक पल में मैं टूट के बिखर गई और आप कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ शायद आपके लिए कुछ नहीं हुआ होगा लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं बहुत कुछ हो गया फर्क नहीं पड़ता देखिए मुझे बहुत फर्क पड़ता है लेकिन आपको फर्क पड़ेगा आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों जब आपको पता चलेगा कि कितनी तकलीफ होती है जब आपकी जिंदगी के फैसले कोई और करता है कितना दुख होता है जब जब कोई सबसे प्यारी चीज आपसे छीन लेता है जब
कोई आपको चोट पहुंचाता है और बोलता है कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मुश्किल है समझाना अपना है या है गैर वो इश्क में अधूरा सा रूह में है पूरा सा दर्द है ये सारी उम्र का है मेरे।